चलो इंग्लिश का जो है रीडिंग स्टार्ट करो शशि। स्टोरी मतलब कहानी, ओल्ड मतलब बूढ़ा, है ना। मैन मतलब आदमी। तो ये कहानी किसकी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? एक बूढ़े आदमी, ठीक है। ये कहानी है एक बूढ़े आदमी की। आगे पढ़ो। हाँ, हु प्लांट्स सम टर्निप सीड्स। उसने टर्निप शलजम, उसने शलजम शलजम के क्या बोए थे? सीड। सीड मतलब बीज। कुछ उसने शलजम के बीज बोए थे। कहाँ बोए थे? आगे। हाँ, जो अपने उसके खेत थे वहां पे उसने उसके बीज बो दिए थे। चलो सिट डाउन आकांक्षा, आगे पढ़ो। उंगली रखे रहना। टर्निप सीड्स ग्रीव एंड ग्रीव। हाँ, जो टर्निप के सीड्स थे वो क्या हुए? बढ़ते गए बढ़ते गए। जो उसके बीज थे वो बड़े होते गए बड़े होते गए। फिर क्या हुआ? ओल्ड मैन वॉट्स टू पुल अप द इनार्मस टर्निप। हाँ, जो बूढ़ा आदमी था, ठीक है, दिखाओ कहाँ था। द ओल्ड मैन वॉन्ट्स टू पुल अप द एनॉर्मस टर्निप। जो बूढ़ा आदमी था वो एनॉर्मस मतलब खूब बड़ा, उसके खेत में जो शलजम था वो बहुत बड़ा, बहुत विशाल सा हो गया, खूब बड़ा सा हो गया। चित्र में दिख रहा है ना सबको, देखो कितना बड़ा हुआ है। तो वो बूढ़ा आदमी ये नहीं चाहता था कि वो तोड़ तोड़ के निकाले कि टूट जाए। वो चाहता था पूरा का पूरा समूचा जो है वो बाहर निकल आए। सोनी आगे पढ़िए। He plans to pull in many plants कहाँ पढ़ रही हो? cannot pull up the enormous turnip. He tries to pull it many times, but he cannot pull up the enormous turnip. उसने जो है बहुत बार, मैनी मतलब बहुत बहुत बार, ठीक है, उसने बहुत बार कोशिश करी। क्या कोशिश करी? कि वो पूरा का पूरा जो है वो उसको निकाल ले, लेकिन उसको सफलता मिली नहीं मिली, ठीक है, वो नहीं निकाल पाया। अब इसके आगे देखते हैं क्या हुआ, ठीक है। चलो श्रद्धा स्टैंड अप।